हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर के बारे में, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा का सदस्य कैसे बनते हैं और कहां से वह चुनाव लड़ते हैं और संविधान सभा में कैसे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए पहले वह बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं। बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए, तो बॉम्बे से वह चुनाव हार जाते हैं पहले, और उसके बाद में बॉम्बे से चुनाव हारने के बाद में वह पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ते हैं। पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, जो कि एक स्थान पड़ता है वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, जयसुर कुलना पश्चिम बंगाल से वह चुनाव लड़ते हैं मुस्लिम लीग की सहायता से, और वहां से वह जीत जाते हैं मुस्लिम लीग की सहायता से। जयसुर कुलना जो पहले पश्चिम बंगाल में पड़ता था, मुस्लिम लीग की सहायता से वहां से चुनाव लड़ते हैं और वहां से चुनाव जीत जाते हैं जयसुर कुलना से। और बाद में वह संविधान सभा का सदस्य बन जाते हैं जयसुर कुलना से, पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होकर। और बाद में वह संविधान सभा का सदस्य बनने के बाद वह जब भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान उनकी सदस्यता रद्द कर दी, क्योंकि वह और जो पश्चिम बंगाल में पड़ता था जयसुर कुलना, वो भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान यह बांग्लादेश में चला जाता है और उनकी सदस्यता होती है वह रद्द कर दी। और उसके बाद में होता क्या है कि जो संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वह बेनेगल नरसिम्हा राव बीएन राव, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर के बिना संविधान का निर्माण करना संभव नहीं है, उन्हें संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित करना पड़ेगा। तो बेनेगल नरसिम्हा राव के कहने से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे के उसमें बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे बीजी खैर को वह पत्र लिखते हैं राजेंद्र प्रसाद कि आप भाई जो बॉम्बे की संविधान सभा सदस्य संख्या है उससे एक सीट रिक्त करवाइए डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर के लिए। और जो बीजी खैर और बॉम्बे के जो पहले एक रियासत थी उसमें जो उसके अब वर्तमान में सीएम कहते हैं, उस समय मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री कहा जाता था, और बॉम्बे से वह बीजी खैर को पत्र लिखते हैं जो बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे उस समय, और बॉम्बे से संविधान सभा की सदस्य होती है वहां से एक व्यक्ति इस्तीफा देते हैं एम आर जयशंकर वह इस्तीफा देते हैं अपने पद से बॉम्बे की संविधान सभा सदस्य संख्या से, और एम आर जयशंकर की जगह पर डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर बाद में बॉम्बे से निर्वाचित होते हैं डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर। ये डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर के बारे में कि डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर संविधान सभा में कैसे संविधान सभा का सदस्य बनते हैं और कैसे संविधान सभा में हिस्सा लेते हैं। धन्यवाद।